हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको ज़्यादा सोचने की आदत को हम कैसे कम करें या ओवर थिंकिंग से हम कैसे बचें, इसके बारे में बताना चाहती हूँ। ओवर थिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचना। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ हर समय चलता रहता है। आपके अंदर विचार बहुत ही गहरे होते ही जाते हैं और आप उसमें रिजल्ट, घटनाओं, संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसे ही हम ओवरथिंकिंग कहते हैं या ज़्यादा सोचना। हालांकि कुछ जगहों पर सोचना भी जरूरी है, लेकिन बिना काम किए, बिन जरूरी चीज़ों पर पूरे दिन भर सोचते रहना गलत नहीं, बहुत ही ज़्यादा गलत है। ओवरथिंकिंग के क्या क्या परिणाम हैं? इससे हमारा तनाव बढ़ जाता है और इंसान की डिसीजन मेकिंग क्षमता कम हो जाती है। ज़्यादा ओवरथिंकिंग से आदमी के अंदर सकारात्मक विचारों में कमी आ जाती है। यह ओवरथिंकिंग किसी भी इंसान की अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर देती है। ओवरथिंकिंग के कारण इंसान में गुस्सा आ जाता है और इंसान की एकाग्रता में कमी आ जाती है और हर चीज में इंसान शक करने लग जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है, जरूरी भी है, कभी ना खत्म होने वाले विचारों की आंधी को रोकें, क्योंकि यह ज्यादातर नकारात्मक ही होते हैं। ओवरथिंकिंग के कुछ बचाव हैं जिससे आपकी ओवरथिंकिंग कम हो सकती है। आप जब भी ओवरथिंकिंग को करें, महसूस करें, तो तुरंत सक्रिय रूप से अपना ध्यान उस जगह लगा लें। तुरंत कोई गाना या गेम या कुछ पढ़ने लग जाएं। इससे आपका माइंड डिवर्ट हो जाएगा और ओवरथिंकिंग से आप बच जाएंगे। हम जानते हैं किसी भी चीज़ को दबाकर वह ज़्यादा भड़क जाती है। जब भी ओवरथिंकिंग हो तो विचारों को रोकने के बजाय अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त कर दें। चाहे आप किचन का काम शुरू करें, चाहे अपने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करें, अपनी वॉकिंग करें, अपनी मेडिटेशन करें, अपने आप को मतलब बिजी कर दें। ओवरथिंकिंग की आदत को हटाना एकदम पॉसिबल तो नहीं होता, पर आप इसको मेडिटेशन करके, ध्यान करके कम कर सकते हैं। ध्यान करते समय विचारों की आंधी आए भी तो घबराएं नहीं, क्योंकि शुरुआत में बहुत परेशानी करेगी, लेकिन ये धीरे धीरे कम होगी, खत्म हो जाएगी। किसी भी आदत को बदलने के लिए धैर्य जरूरी है, इसलिए वर्तमान पर आप फोकस करें, करते हुए लाइफ को एंजॉय करें। अभी क्या चल रहा है उस पर सोचो, अपने अतीत भविष्य को साइड में रखें। तो आशा करती हूँ आप सब ने ओवरथिंकिंग के बारे में जान लिया है। थैंक यू।